शहर में पिछले दिनों से लगातार पेटीएम की केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदात छाती ठगों द्वारा की जा रही है। पिछले 24 घंटों में अलवर गेट इलाके थाने में रहने वाले दो युवक केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी का शिकार हो गए। पहला मामला पाल बिचड़ा निवासी टेम्पो चालक नवीन कुमार के साथ घटा। नवीन कुमार के मोबाइल पर केवाईसी अपडेट करने के लिए अज्ञात फोन आया और उस फोन पर नवीन कुमार ने अपनी बैंक संबंधी डिटेल्स उसे बता दी, जिस पर कुछ समय बाद ही 20,000 और 1500 रुपए छाते ठग ने उसके खाते से निकाल लिए। पीड़ित नवीन कुमार ने अलवर गेट थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। मैसेज आया केवाईसी अपडेट के लिए, ठीक है। उसके 3:30 बजे में कॉल आया। एक बार मैंने कॉल नहीं उठाया तो दोबारा उन्होंने रिवाइंड कॉल करा, तो मैंने उठाया तो उन्होंने बोला कि आपका वो पेटीएम नंबर ये है, तो पेटीएम नंबर उन्होंने वेरीफाई कराया था। पेटीएम नंबर के अनुसार मेरे को ये लगा कि भाई ये सही लोग होंगे, तो मैंने पेटीएम नंबर वो करने वेरीफाई करने के बाद में उनको बोल दिया, ठीक है मैंने भैया। तो उन्होंने बोला कि आप घर बैठे आपकी केवाईसी खुद कर सकते हो, तो उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा प्ले स्टोर से। तो पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी तो उससे उनका काम नहीं हुआ, फिर उन्होंने एनीटिक्स नाम की एक एप्लीकेशन है वो मेरे से डाउनलोड करवाई गई, तो उसको डाउनलोड करने के बाद उसके वो जब उसको ओपन किया गया तो उसके अंदर कुछ डिजिटल वो अरबों थे क्रमांक, तो उन्होंने वो मांगा मेरे से। वो देने के बाद में उन्होंने उसको एक्सेप्ट का बटन उसके अंदर आता है तो वो एक्सेप्ट करवाया गया मेरे से, और उसके बाद में मेरे से अपने ATM कार्ड का CVI नंबर और सब चीज़ मांगी, और मेरे से ये बोला गया कि बोले आप 10 रुपये पहले इसमें ट्रांसफ़र करो, आपकी KYC हो जाएगी। जैसे मैंने वो 10 रुपये उनके उसमें ट्रांसफ़र करा तो हाथों हाथ मेरे मुश्किल से 2 मिनट बाद ही वो 20,000 रुपये मेरे अकाउंट से पहले उड़े, फिर उसके 5 मिनट बाद में 1500 रुपये और उड़ गए, 21,500 रुपये मेरे कुल मिला के मेरे अकाउंट से उड़ा दिए गए। ये अजमेर का आपने रिपोर्ट करा दी? रिपोर्ट मैंने करा दी है अलवर गेट थाने में। इसी तरह दूसरी ठगी की वारदात सीनियर सिटीजन शशि कुमार महेश्वरी के साथ हुई। पीड़ित शशि कुमार महेश्वरी ने बताया कि उनके पास मैसेज आया कि उनका पेटीएम अगले 24 घंटों में बंद हो जाएगा। KYC अपडेट करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करने की बात कही। ऐप डाउनलोड करते ही मैसेज में आए नंबर पर OTP नंबर सेंड कर दिया। फिर कुछ समय बाद ही 79,000 महेश्वरी के खाते से छाते ठग ने निकाल लिए। पीड़ित महेश्वरी की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेरे पास इस तरह का मैसेज आया था कि आपका पेटीएम को KYC करवाइए नहीं 24 घंटे में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जिस नंबर पे कांटेक्ट करने को बोला उस पर मैंने वो फ़ोन किया तो उसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरे ने उसने फिर वापस मेरे को फ़ोन किया, एज वेज पूछी, आप सीनियर सिटीजन ना, आपको मैं अभी करवा देता हूँ, और वो दो ऐप डाउनलोड करवाए एप्पल मोबाइल पे, दो डाउनलोड करवा के और फिर सारी जानकारी लेता गया, OTP वगैरह सब उसके पास भी जाते थे, मेरे से कंफर्म करता गया। फोन कहाँ से आए थे भौजी? फोन नहीं मालूम कहाँ से आया। कितने पैसे निकले? 79,000 का तो मतलब 59,000 तो दो बार में करके उससे गए पेटीएम से ट्रांसफ़र करवा के, और 20,000 गूगल पे से उसने निकलवा के, और वो मोबाइल नंबर आए हुए हैं उस पर मोबाइल नंबर पे ट्रांसफ़र हुए वहाँ से पेटीएम से और गूगल से 79,000, और एक 49 का उसने 49 रुपीज़ का जियो मोबाइल रिचार्ज करवाया, एक और वोडाफोन का रिचार्ज करवाया और 105 रुपये उसने पेटीएम से ट्रांसफ़र करी। 11 जनवरी 2020 को मिस्टर शशि प्रकाश कुमार महेश्वरी ने उपस्थित थानों का रिपोर्ट पेश की है कि उनके द्वारा उनके पास एक फ़ोन आया, उसमें कहा कि आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। उन्होंने उनको लिंक भेजा, उन्होंने लिंक ओके करने पे उनके करीब 79,000 रुपए उनके बैंक से लैस हो गई हैं। उस संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। शहर में लगातार हो रही इस तरह की ठगी पर अजमेर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात है। बहरहाल इस तरह के मामले में अजमेर पुलिस तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट चुकी है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.